गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो आप लोग? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज डेट है 21 जुलाई. बरखा मैम की, बरखा दी की क्लास में, मैम क्या यार, बरखा दी की क्लास में आप सबका स्वागत है. सो 21 जुलाई, 7:30 AM, दिस इज योर टाइम. अभी चलो शुरू करते हैं. यू आर अमेजिंग टीचर. A truly amazing is hard to find and impossible to forget. Oh my God, I enjoy every minute of your lecture as well as your marvelous sense of humor. My gratitude to you for all you have done, which I will never forget. I truly appreciate you and your time, ma'am, you spend helping everyone. Thank you so much, Sapna, itna kuch likhne ke liye. Mujhe to laga tha yaar, this would have been enough. Par itna kuch likhne ke liye, thank you so much. एंड ये जो आपके कमेंट्स होते हैं, आपको पता है ना, ये मुझे डेली बेसिस पे मोटिवेशन देते हैं, डेली बेसिस पे मोटिवेट करते हैं. कम ऑन, यू कैन डू इट. तो बस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली बिगिन द लेक्चर विद अ कोट. आप एक रात में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन एक रात सब कुछ बदल सकती है. इसका मतलब ध्यान से समझना. आप अगर सोचो कि कल हमारा एग्जाम है, कल सपोज 22 जुलाई है, 22 जुलाई को हमारा एग्जाम है, आप ये सोचो कि यार 22 जुलाई को हमारा एग्जाम है और 21 जुलाई को हम रात भर जाग के पढ़ाई करेंगे और हमको बढ़िया सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा. लेकिन अगर आप हर रात तैयारी कर रहे हो, तो एक रात ऐसी जरूर आएगी जिस दिन सिलेक्शन होगा आपका, और वो रात एक मेमोरेबल रात होगी. इस कोटेशन का ये मतलब है. कोर तक समझ में आया सबको? समझ में आया क्या? कोर तक समझ में आ गया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट दैट इज हिडन बिहाइंड दिस कोट. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं, रैपिड फायर अब रिविजन कर लेते हैं. ये वो रिविजन है, रैपिड फायर रिविजन. इसका मतलब होता है ये वो रिविजन है जो मैंने कल की क्लास में कराया, यानी कि 20 जुलाई को जो भी मैंने आपको वो कैप पढ़ाई, ये उसका रिविजन है. तो सबसे पहला वर्ड है परपेट्रेटर. जब मैंने परपेट्रेटर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया था, आपको याद है, मैंने पर पेट हर जानवर, हर पेट और परसिस से मिलते जुलते दो शब्द कराए थे. परपेचुअल, परसिस्टेंट, इसका मतलब होता है नेवर एंडिंग, फॉर एवर, पेरिनियल, हमेशा के लिए, लंबे समय तक चल रहा है. ठीक है, उसी जगह पे मैंने परपेट्रेटर भी आपको कराया था और मैंने कहा था परपेट्रेटर और परपेचुअल का कोई रिलेशन नहीं है. तो परपेट्रेटर का मतलब क्या है, ये आपको मुझे बताना है. परपेट्रेटर का, जितने भी लोगों का आज पेपर है, मेरा आशीर्वाद यार हमेशा आपके संग है. शायद मैं आपका मैसेज देख पाऊं, शायद मैं ना देख पाऊं, मैं अभी ही आपसे बोल रही हूं, सभी के साथ मेरा भरोसा है, मेरा आशीर्वाद है. ठीक है, सो डोंट वरी अगर किसी का मैसेज स्किप हो जाए तो. परपेट्रेटर का मतलब, यस, मतलब क्रिमिनल, एक ऐसा बंदा जो गंदे काम करता है, ईविल काम करता है, ईविल एक्टिविटीज करता है. नेक्स्ट है इम्प्लॉसिबल. इम्प्लॉसिबल का आपको सिनोनिम बताना है. पॉसिबल, प्रोबेबल, प्लॉसिबल, आई थिंक मैंने आपको ये याद कराया था. कुछ कुछ याद है. पॉसिबल, प्लॉसिबल, प्रोबेबल, इन सब का मतलब होता है पॉसिबल. और अगर आगे आई एम लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल, यानी कि इफ समथिंग इज नॉट लाइकली टू हैपन, मतलब चांसेस बहुत कम है. सपोर्ट, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तो इसको स्पोर्ट बोला जाता था, ठीक है, और कुछ लोग सपोर्ट बोलते थे. तो पता मैं मन में क्या सोचती थी यार, आई वाज मे बी इन क्लास सेकेंड एंड थर्ड, मैं सोचती थी अरे यार कितनी गंदी इंग्लिश है हिंदी, सपोर्ट सपोर्ट करते रहते हैं, स्पोर्ट होता है यार, मैं ये सोचती थी बचपन में. मुझे समझ आया भैया दोनों अलग अलग वर्ड है, स्पोर्ट एंड सपोर्ट. स्पोर्ट तो मतलब एक गेम हो गया, खेल हो गया, और सपोर्ट का मतलब क्या हो गया. वेरी गुड. सपोर्ट से शुरू मैंने ऐसे कराया था ना कि बी से शुरू होने वाले दो शब्द, तो एक तो ब्रेस था और दूसरा शब्द क्या था, दूसरा शब्द था आपका बटरेस. ठीक, ये दोनों शब्द हैं जिसका मतलब होता है सपोर्ट देना, एड देना, असिस्ट करना, किसी की हेल्प करना. ठीक, और ब्रूस का मतलब क्या होता है, ब्रूस क्या होता है, इसका मतलब किसी को चोट लग जाना. ठीक, चलो एंड दो, दो एंड दो, दो बताओ, मैंने एक हिंट आपको दे दी है भाई, एंड दो मतलब दो, मैंने आपको एक हिंट दे दी है, अब बाकी भैया आप बताओ कैसे क्या होगा, बताइए सभी लोग.
डू इट सुपर क्विकली एंड डो करने का मतलब होता है बेस्टो करना. वेरी गुड, बेस्टो करना एंड कंफर्ट. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी. प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेलेंट परवेसिव और परवर्स, ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको दी थी जब मैंने ये वर्ड कराया था, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दी थी वहां पे, मैंने कराए थे ये शब्द. ध्यान से करिएगा इसको. क्या बात है राजकुमार साहू, बहुत बढ़िया. देखो परवर्स का मतलब तो क्या हो गया, परवर्स का मतलब होता है जिद्दी. जिद्दी का मतलब हो गया टेनेशियस, परटेनेशियस. ठीक है. अच्छा मैं आपको भी एक बात बताऊं, ये जो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, मैंने बोला भाई आपको मेरी क्लास कैसी लगी, सब लोग मुझे क्लास में लिख के बताना. और एक कॉमेंट पता है क्या था, मैम बाकी सब तो ठीक है लेकिन सुबह सुबह आपके यहाँ आइसक्रीम वाला क्या कैसे आता है? भैया ये आइसक्रीम वाला नहीं है, ये ब्रेड वाला है. सबसे पहले मैंने सोचा उनके अंदर की जो इंक्यूजिटिवनेस है, जो उनके अंदर की क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की, पहले वो मैं खत्म करूं. भैया ये आइसक्रीम वाला नहीं, सुबह 7 बजे कोई आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, तो ये ब्रेड वाला होता है. ठीक, सबसे पहले तो ये समझो आप. और दूसरी चीज भैया मतलब फोकस थोड़ा बढ़ा लो यार. फोकस का मतलब क्या होता है, हम जो कर रहे हैं ना बगल में चाहे जो हो जाए फर्क नहीं पड़ना है. ठीक है, ये होता है फोकस. ब्रेड वाला, आइसक्रीम वाला, इसमें नहीं फोकस होता है. तो प्रेवलेंट मतलब परवेसिव, जो हर जगह फैली हुई है प्रेवलेंट है. एपरेंट का मतलब क्या होता है, एपरेंट. इफ समथिंग इज एपरेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, पॉसिबल एंड इनविगोरेट. क्या बोलते हैं इसको हम, देखो apparent का मतलब होता है clear, something is clear that means something is possible. ठीक है, clear है, बहुत बढ़िया. अच्छा ये आपने अच्छे से कर लिया answer, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा हो गया है कि अब आप लोग अच्छे से participate कर रहे हो discussion में, तो मुझे मतलब it's kind of मुझे भरोसा हो गया है कि अब आप लोग अच्छा ही perform करोगे. Perfect, आगे बढ़ते हैं. अब आज की editorial की vocabulary करते हैं. सबसे पहली vocabulary है lurk, सबसे पहली vocabulary है lurk. ठीक, और लर्क का मतलब होता है किसी चीज को मतलब हाइड कर देना, आप ऐसे समझ लो हाइड कर देना. लर्किंग मतलब कि हाइड करने की बात हुई है, और हाइड करना मतलब छुपाना, एक्शन की बात हो गई, मतलब ये वर्ब है. और हाइड करने को हम और क्या बोल सकते हैं, मुझे सिनोनिम्स बताइए सभी लोग. हाइड करने को और क्या बोला जाता है, लर्क का मतलब हो गया डुबाना, हाइड करना, छुपाना, और क्या होता है लर्क का मतलब, आप लोग मुझे बताएंगे सभी लोग. क्विक, बहुत बढ़िया. हाइड करने को क्या बोलेंगे, जिस तरीके से आपने अभी आंसर किया ना, मेरे पूरे क्लास में आपको आंसर करना होता है. दिस इज द बेस्ट वे टू मेक एनी वन मेमोराइज एनीथिंग. जब पूछूं आंसर करो, ज्यादा से ज्यादा गलत आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आने दो ना गलत. मैं आपको जज थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं दे रही हूँ, ना कोई बंदा आपके बगल में बैठा हुआ सिलेक्शन दे रहा है, तो ये सब छोड़ो, गलत सही आंसर करो बढ़िया से. ठीक है, तो लर्क का मतलब होता है हाइड करना. इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, आर्केन, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सिनोनिम है. कंसील करना, आपके एग्जाम में कई बार सी की जगह एस लिख के दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है. कंसील में एस नहीं आता है, दोनों सी आते हैं. ठीक है, आर्केन हो गया, कंसील हो गया. कवर्ड वर्ड कैसे बना है, किसी को कवर करके रखना, कवर से बना कवर्ड. ठीक है, क्लैंडेस्टीन एंड मिस्टीरियस. क्लैंडेस्टीन का भी मतलब होता है सीक्रेट की तरह छुपा के रखना. द सीक्रेट इज क्लैंडेस्टीन, यानी कि इस सीक्रेट को मैंने छुपा के रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है. और मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस का मतलब, मिस्टीरियस का भी मतलब यही होता है कि नहीं, मिस्टीरियस आप इस लिस्ट से हटा सकते हो, मिस्टीरियस आप इस लिस्ट से हटा सकते हो. ठीक, तो क्या क्या हो गया आपका, आर्केन, कंसील, देखो कंसील वर्ड, कंसील वर्ड पता है आपको. नए नए शब्द हमने कौन से याद किए हैं, एक तो हो गया आर्केन. ठीक,
लर्क भी नया शब्द है ना, आर्केन भी नया शब्द है, आर्केन हो गया, लर्क हो गया, फिर आपका सी से शुरू होने वाले तीनों शब्द, कवर से बना कवर्ट, कवर में टी लगा दो, और फिर सी कंसील में दोनों सी आता है, कंसील हो गया, और फिर हो गया आपका क्लैंडेस्टीन। यार क्लैंडेस्टीन वर्ड भी इतना ज्यादा पूछा जाता है, कई बार सिनोनिम्स में आता है, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाया करता है। आप मुझे सच सच बताना, देखा है ना आप लोग, आप लोगों ने ये सारे शब्द देखे हैं ना सबने, ठीक है। तो अभी जब हम थोड़ी देर बाद, मतलब मुश्किल से 4-5 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगी, चलो हाइड करने को क्या कहते हैं, हाइड करने को बोलते हैं एक तो एल से शुरू होने वाला, एक ए से शुरू होने वाला और सी से शुरू होने वाले, तीन शब्द बताओ, इन सब का मतलब होता है किसी को हाइड करके रखना, ठीक। चलो अच्छा, लर्क वर्ड का मतलब होता है हाइड करना, और लर्च का मतलब होता है लीविंग समबडी इन लर्च, यानी कि किसी को प्रॉब्लम में छोड़ देना। जैसे कि आपने सुना होगा जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी अपने फ्रेंड को लर्च में नहीं छोड़ते, यानी कि कभी भी अपने फ्रेंड को किसी भी हेल्पलेस नहीं छोड़ते हैं। तो लेफ्ट समबडी इन द लर्च, यानी कि आपने किसी इंसान को तब छोड़ा है जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो वो कौन सा दोस्त लर्च में छोड़ता है, जो फेयर वेदर्ड फ्रेंड होता है, फेयर वेदर्ड फ्रेंड यानी कि जो अच्छे समय का साथी होता है, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहे, बुरे समय में उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छा फ्रेंड नहीं होता। और जो अच्छा फ्रेंड नहीं होता है वो हमेशा आपको लर्च में छोड़ता है, लीविंग समबडी इन द लर्च, ठीक। क्लियर, पूरा रेडी हो गया। एम्बुश, एम्बुश वर्ड का मतलब होता है बुश में छुप के अटैक करना। बेसिकली जब भी एम्बुश मैं लिखती हूँ, इसके तुरंत बगल में एम्बुशकेड भी लिखती हूँ, एम्बुशकेड, एम्बुश और एम्बुशकेड मैं हमेशा बगल बगल लिखती हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि हमेशा याद रहे। अब देखो मुझे याद था तभी तो मैंने लिख दिया, कोई ऐसा मैं मतलब किसी और प्लैनेट से आई हुई इंसान थोड़ी ना हूं कि मुझे वो वर्ड याद है, आपको नहीं याद हो सकता। अगर आपको तरीका समझ में आ गया और अगर आपको मेरे शब्दों की सीक्वेंसिंग समझ में आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप लोग टाइम पे आ गए, जितने भी लोग टाइम पे मेरे लेक्चर में आ रहे हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक मेरा लेक्चर होता है, अगर आप एग्जैक्टली टाइम पे मेरे लेक्चर में आ रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है, आज काफी ज्यादा स्टूडेंट्स टाइम पे आए भी हैं, कल और ज्यादा ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो तो एम्बुश का मतलब हो गया बुश में छुप के अटैक करना। तो एम्बुश के मीनिंग को हम अटैक बोल सकते हैं, एम्बुश और एम्बुस्केड हमेशा बगल बगल आते हैं, ये भी सिनोनिम है। और बताओ आप और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम, एम्बुश हो गया, एम्बुस्केड हो गया, और क्या क्या इसका सिनोनिम हो सकता है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। एम्बुश सही है, एम्बुस्केड सही है, और बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, अटैक करने को असॉल्ट बोलते हैं, एम्बुश अटैक। आप देखो छुप कर वार करने को और क्या बोलते हैं, देखो क्लैंडेस्टीन भी हो गया छुपना, है ना, किसी के ऊपर छुप के हमला कर रहे हो या छुप रहे हो तो क्लैंडेस्टीन भी हो गया, अभी अभी हमने किया था। कैमोफ्लाज वर्ड देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब स्टोरी समझोगे तब समझ में आएगा। आपने देखा होगा बीच में एक ट्रेंड चला था जो उसकी आर्मी प्रिंट डेनिम्स होती हैं, देखा था आपने, नीचे नीचे ढीली ढीली पैंट जो आर्मी स्टाइल होती हैं, उस प्रिंट को, मतलब एक तो हो गया डेनिम का शेड जो ब्लू होता है, एक होता है आर्मी शेड जो ग्रीन और वर्दी कलर का मिक्स कंबाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। क्यों, इस वजह से क्योंकि जब अटैक होता है ना, आपने देखा होगा आर्मी क्यों ऐसे कपड़े पहनती है, ताकि जो जमीन है, जमीन का कलर हो गया वुड और पेड़ का कलर हो गया ग्रीन, ताकि अगर अटैक हो तो वो नीचे लेट जाए, और जब जब इंसान कैमोफ्लाज कपड़े पहन के लेटेगा तो वो अपने आप छुपा हुआ लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान है, क्योंकि हरे कलर का पत्ता होता है और जमीन होती है जो मड होती है वुड कलर की, तो जब कैमोफ्लाज किसी ने पहना है वो लेट जाएगा तो वैसे ही मतलब अपने आप वो वहां पे मतलब ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं, तो कैमोफ्लाज का भी मतलब होता है, और कंसील भी हो गया, ठीक है। अब एम्बुश का मतलब, जो एक्चुअल मतलब एम्बुश का, छुपना सिर्फ नहीं होता है, एम्बुश का असली मतलब छुप के अटैक करना भी होता है, ठीक है, अटैक करना, असॉल्ट करना। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं आपसे सिंपली ये बोलूं कि छुपने का, अगर मैं आपसे बोलूं हाइड का, मुझे सिर्फ हाइड का सिनोनिम बताओ, अभी अभी जो मैंने कराया है, एक ए से शुरू होने वाला, सी से शुरू होने वाले तीन, और एक मैं लिख दे रही हूँ लर्क,
बाकी ये दोनों आप मुझे लिख के बताओ जल्दी से, ये दोनों आप लिख के बताइए, बाकी मैंने लिख दिया है। वेरी गुड, ए का क्या हो गया, एक हो गया आपका आर्केन। सी से क्या हो गया, सी से आपका कंसील हो गया, दोनों में सी आता है। फिर आपका क्लैंडेस्टीन हो गया, कंसील हो गया, क्लैंडेस्टीन हो गया। एक और सी से क्या था यार, दो थे कि एक था, मुझे लग रहा है शायद, हाँ कवर्ड, कवर करके रखना, कवर्ड। और एल वाला आपका लर्क हो गया, बिल्कुल याद हो गया आपको। चलो रोलिकिंग क्या होता है, रोलिकिंग, रोलिकिंग किसको बोलते हैं, रोलिकिंग। सो रोलिकिंग का मतलब होता है मौज उड़ाने वाला, मतलब कि एग्जर्बेंटली लाइवली, वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा लाइवली है, बहुत ही ज्यादा लाइवली है, उसको हम बोलते हैं रोलिकिंग, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने वाला, एग्जर्बेंटली लाइवली। ठीक, चलो आप इसका सोचो ना, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए और बताइए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज याद दिला देना, मुझे आज आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपकी फेवरेट चीज याद दिलानी है, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग और एक फेवरेट चीज मुझे आपको याद दिलानी है। मुझे याद दिला दीजिएगा 8:10 के करीब लगभग, ठीक, 8:10 के करीब लगभग मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज आप लोगों को याद दिलानी है। तो रोलिकिंग क्या क्या होता है, एग्जुबेरेंटली लाइवली, लाइवली का मतलब हो गया स्पिरिटेड, मतलब जैसे कि माउंटेन ड्यू, और आपने देखा होगा ना स्प्रिट, क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन ड्यू और स्प्रिट का एड जो होता है, एड में क्या होता है, इंसान माउंटेन कूद जाता है, चलते हुए ट्रक पे कूद जाता है, पूरी पूरी नदियां क्रॉस करके चला जाता है सिर्फ एक ड्यू और स्प्रिट के लिए, स्प्राइट के लिए, सॉरी स्प्राइट और ड्यू के लिए, है ना। तो मतलब इंसान एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाता है। तो मेरी इस जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई, इस स्टोरी से ये याद रखना, स्प्रिट सॉरी क्या बोलते हैं उस ड्रिंक को, स्प्राइट, स्प्राइट से बना स्प्राइटेड, स्प्राइटेड, ठीक, लाइवली आपको पता ही है, विवेश एंथुजियास्टिक भी पता है, एग्जुबरेंट, देखो ये जो एग्जुबरेंट वर्ड है ना, एग्जुबरेंट, एंथुजियास्टिक आपको याद है, क्यों याद है, इसके पीछे मुझे रीजन बताओ, क्योंकि ये शब्द हम लोगों ने इतनी बार यूज किया है ना कि हमको ये याद हो चुका है, क्योंकि हमने इतनी बार यूज किया है, पर एग्जुबरेंट हमने यूज नहीं किया तो हमें याद ही नहीं है। तो आज के बाद एक चीज मेरे से प्रॉमिस करो कि कभी भी आपको लाइवली बोलने का मन होगा, ही इज एक्टिंग वेरी लाइवली, वेरी हैप्पी, तो आप वहां पे कभी भी एंथुजियाज्म मत बोलो, अब आपको ये याद हो गया है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एग्जुबरेंट, एग्जुबरेंट आप बोलोगे, ठीक है। अब एग्जुबरेंट से मिलता जुलता शब्द है एग्जैजरबेट, एग्जैजरबेट का मतलब होता है कोई सिचुएशन वर्सन होती जा रही है, धीरे धीरे करके कोई सिचुएशन वर्सन होती जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे एग्जैजरबेट, ठीक है। अब देखो ये दोनों आसपास के हैं तो इनको हमेशा याद रखना, एग्जुबरेंट का मतलब होता है लाइवली, एग्जुबरेंट, और एग्जैजरबेट का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है, इसको, और इसको ऐसे भी बोलते हैं एग्जैजरबेट, पहले बताओ, पहले इतना याद हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफी है, ठीक। चलो याद रखना, मैं आपसे अभी पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी ये पूछूंगी मैं आपसे कि भाई एंथुजियाज्म से मिलता जुलता एक शब्द जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लाइवली, देखो ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, स्पिरिटेड, मेरी मैंने ड्यू और स्प्राइट वाली जो कहानी सुनाई है, विवेशियस, विवेशियस आपको याद रहेगा, मैं एक स्टोरी बताऊं, विवाह, विवाह यानी कि शादी, विवाह यानी कि शादी, शादी के टाइम पे यूजुअली सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे जिसकी शादी हो रही हो, एवरीबॉडी सो एक्साइटेड ड्यूरिंग विवाह टाइम, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और लाइवली माहौल होता है घर का,
कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के यहाँ भी शादी हो, जो विवाह का टाइम होता है बहुत ही ज्यादा लाइवली होता है, तो विवेशियस लाइवली से बना, विवेशियस किससे बना है, विवाह से, ठीक है। तो बस मुझे दो शब्द बताइएगा, विवाह से शुरू होने वाला एक शब्द विवेशियस हो गया, एंथुजियाज्म सबको ही पता होता है अब, और एक हो गया एग्जुबरेंट, एग्जुबरेंट, ठीक, एग्जुबरेट करना, एग्जुबरेंट, और एग्जैजरेट करने का मतलब होता है चीजों को वर्सन अप करना। एक्विटल, देखो एक्विटल का मतलब हो गया एक्विट, क्विट मतलब किसी चीज से फ्रीडम, मुक्ति, रिहाई, ठीक है, क्लियर है। आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, चाहे एक्विटल लिखा हो, चाहे एक्विटेंस लिखा हो, एक्विटल हो, चाहे टेंस हो, हर किसी का मतलब होता है फ्रीडम। शब्द के एंड में एल आया है, मतलब ये क्या है, मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर हमारे शब्द के एंड में एल आता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव कहेंगे? देखो जो लोग, मैं आपको बताऊं, नए हैं, शायद उनको ये ना पता हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक क्लास भी मेरी करी है, अगर आपने सिर्फ कल की क्लास भी करी है, तो भी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये पता होगा, 100% पता होगा। बताओ, एक्विटल, क्या होगा इसका मतलब? एक्विटल, शब्द के एंड में एल आया है, शब्द के एंड में एल आ जाए, चाहे एफ यू एल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडजेक्टिव है। आई वी ई, ओ यू एस, ए एल हो गया, एफ यू एल हो गया, आई वी ई, ओ यू एस, फिर आपका हो गया ए एल, एफ यू एल, आई वी ई, ओ यू एस, और आई सी हो गया, बी एल ई हो गया। कभी भी किसी भी शब्द के एंड में आप ये सब देखोगे ना, तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है। एक्विटल हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक। अब इसी से मिलते जुलते शब्द क्या हो गया? एग्जेम्पशन। सबसे पहले एक्विटल का मतलब हो गया एक्विटेंस, ठीक है, मतलब देश मुक्ति, रिहाई, एक्विट कर देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्रीडम, है ना, रिहाई मतलब फ्रीडम, आप लिबर्टी भी बोल सकते हो, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया। अब लिबर्टी फ्रीडम ही तो बोला है हम लोगों ने जिंदगी भर, कोई नया शब्द थोड़ी ना बोला है। तो ये सारे पुराने शब्द हटा दो, किसी को माफी कर देना यानी कि अब्सॉल्व कर देना, अब्सोल्यूशन मतलब माफी दे देना। अब ये जो ई वाले तीन शब्द है ना, इसके अलावा अभी आप कुछ मत सोचो। एक्विटल, एक्विटल, एक्विटेंस मतलब क्विट, क्विट मतलब कि छोड़ दिया, मतलब मुक्ति कर ली, मुक्ति, मुक्ति किसी चीज से मुक्ति, क्विट, तो क्विट से बना एक्विटल। एक्विटल, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे पुराने शब्द हैं, अब्सोल्यूशन। अभी हम सिर्फ तीन शब्द सीखेंगे ई से शुरू होने वाले जिसका मतलब होता है मुक्ति, ठीक। सबसे पहला शब्द हो गया एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन हम कैसे याद करेंगे? टैक्स एग्जेम्पशन होता है, टैक्स पे माफी, टैक्स एग्जेम्पशन। जैसे कि जब ज्यादा टैक्स आ जाता है तो इंसान भागा भागा वकील के पास जाता है या फिर सीए के पास जाता है और बोलता है यार देखो मेरा, मैं टैक्स एग्जेम्पशन में तो नहीं आ रहा हूँ, मेरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो पाएगा यानी कि माफ हो पाएगा, मुझे मुक्ति मिल पाएगी, इतना टैक्स देना तो नहीं पड़ेगा। तो टैक्स एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन इज ऑल्सो अ कॉमन वर्ड, लेकिन शायद आपको नहीं पता हो एग्जेम्पशन वर्ड का मतलब भी होता है मुक्ति। इमैन्सिपेटेड, इमैन्सिपेटेड, इसका भी मतलब होता है मुक्ति, रिहाई, और एग्जोनरेशन, ठीक है। एग्जेम्पशन पुराना है, बस दो एकदम नए आपके लिए होंगे, एग्जोनरेशन और इमैन्सिपेटेड। अच्छा, मैंने एग्जोनरेशन को एग्जेम्पशन के बाद क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ही हमारा ई एक्स से शुरू है, तो जैसे ही आप एग्जेम्पशन लिखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता चल जाएगा कि ई के बाद एक्स वाला एक शब्द तो और था। जैसे ही आपको ये पता चला आपको एग्जोनरेशन भी याद आ जाएगा, एग्जेम्पशन, एग्जोनरेशन और फिर इमैन्सिपेशन, इनका मतलब होता है रिहाई। मैं पूछूंगी अभी, इसीलिए दिमाग खोल के सुन लो, EX के दोनों शब्द मैंने बगल बगल लिखे हैं, exemption and exoneration, और फिर emancipated, इसका मतलब होता है रिहाई, ठीक। Hapless, यार hapless word actual में कैसे याद रखना? Hapless मतलब वो इंसान जिसको बड़ा helpless सा फील हो। अगर किसी को helpless सा फील हो रहा है, मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, मतलब कि यार वो बड़ा बदकिस्मत इंसान है। एक ऐसा इंसान जो helpless फील करता है, एक ऐसा इंसान जो हेल्पलेस फील करता है, मतलब कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा अनलकी होता है, एक ऐसा बंदा जो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो हेल्पलेस से याद रखना हैपलेस, यानी कि somebody who is damn unlucky, बदकिस्मत अगर कोई होता है, ठीक। चलो अब बताओ, चाहे शब्द के एंड में लेस आ जाए, चाहे सम आ जाए, जैसे क्योर, क्रूअल सम, ट्रबल सम,
चाहे सम आ जाए चाहे लेस आ जाए, एडजेक्टिव ही होता है, क्या होगा? अनलकी. नहीं, जितने आपको आते हैं उतने बताइए, जरूरी नहीं है कि मैं आप मुझे पांच पांच बताओ, चार तीन दो, जरूरी नहीं है. आप एक एक भी बताओगे तो भी सही है, पर कोशिश हर किसी को करनी है. ठीक, चलो क्या होगा? बदकिस्मत, अनलकी. क्विक 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 क्विक, क्या बात है, बहुत बढ़िया. हैपलेस, अनलकी फील करना, शब्द के एंड में लेस आ रहा है, शब्द के एंड में सम आ रहा है, सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी गुड, समथिंग दैट इज अमेजिंग. ठीक, चलो अनलकी में और क्या क्या आ जाएगा? अनलकी में आ जाएगा लकी मतलब फॉर्चुनेट, ये तो आपको पता है ना, वो इंसान जो फॉर्च्यून ऑयल खाता है. एक टाइम पे ना बहुत बोला, अरे इनके यहाँ पे डालडा नहीं चलता है, इनके यहाँ में फॉर्च्यून ऑयल चलता है, बड़े पैसे वाले हैं ये लोग, बड़े लकी हैं. तो फॉर्च्यून ऑयल से याद रखना, फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाला, किस्मत वाला नहीं है मतलब अनफॉर्चुनेट, ब्लेस्ड नहीं है मतलब अनब्लेस्ड, कर्स किसी के ऊपर कर्स है, कर्स किसी को श्राप मिला है मतलब वो हैपलेस है, अकर्स्ड. ठीक, और फॉर्च्यून नहीं है तो चाहे उसको आप अनफॉर्च्यून बोलो चाहे आप फॉर्च्यून लेस बोलो, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, और किसी की किस्मत खराब है अनलकी है तो क्या हो जाएगा, चाहे अनफॉर्चुनेट बोलो चाहे फॉर्च्यून लेस बोलो, ब्लेस्ड का उल्टा अनब्लेस्ड और अकर्स्ड, अकर्स्ड. हैपलेस मोटा मोटा अगर देखा जाए नया शब्द तो हम लोगों ने सिर्फ अकर्स्ड सीखा है ना, हैपलेस अकर्स्ड, फॉर्च्यून लेस, अनफॉर्चुनेट, अनब्लेस्ड, ये पुराने ही है. एक्स्ट्रा इन्फो ये है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज कि मतलब आपको पता नहीं थी वो हो गई है ना, और वो एक्चुअल में अच्छी आपके लिए साबित है. आपको लग रहा है कि यार वो बहुत खराब है पर वो एक्चुअल में बहुत अच्छी साबित हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी मैंने आपको कराया था फ्रीडम लिबर्टी, है ना, फ्री कर देना किसी को, फ्री कर देना कराया था मैंने, फ्रीडम लिबर्टी याद होगा आपको. अरे ये देखो, मुक्ति दे देना, फ्रीडम कर देना, लिबर्टी, अब याद आया. अब ई एक्स से शुरू होने वाले दो शब्द और ई एम वाला एक शब्द, इतना बता दो. कल से मैं सिर्फ इतना पूछूंगी ई वाले तीन शब्द, आज मैंने ई के बाद एक्स और ई के बाद एम लिख दिया है, ताजा ताजा होगा, जस्ट अभी पढ़ाया है तो उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आंसर कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग करेंगे. और जिस दिन आप सभी लोगों ने, मैं इतनी गारंटी आपसे बोल सकती हूँ, दंके की चोट पर बोलना कहते हैं ना, कि जो बंदा मेरे क्लास में इस तरीके से आंसर कर रहा है वही आगे बढ़ेगा. जो सोच रहा है ना, अरे आपने मन में सोच लिया ex का मतलब ये है इसका, अब लिखें क्या, जो ये सोचेगा लिखें क्या, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, मैं भी कुछ नहीं कर सकती फिर उस केस में. तो लिखो लिखो, लिखने से ना सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती हैं, हाथ चलता है आपका, आप कभी भी अपना नाम नहीं भूल जाते हो, क्यों? इतनी बार लिख लिया है ना, दिमाग में सेट हो गया है, कभी आपको अपना नाम नहीं याद करना पड़ता है, क्यों? सेट हो गया. आप समझ में आई लिखने की वैल्यू? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर डुपर ऑसम, सुपर डुपर ग्रेट. एक तो हो गया एग्जोनरेट, एग्जोनरेट, और एक हो गया एग्जेम्पशन, और ई एम वाला हो गया इमैंसिपेट. ठीक है, चलो. स्केपगोट का मतलब होता है बली का बकरा, बली का बकरा मतलब कि शैतानी सारी करी है राहुल ने, और डांट किसको पड़ी? श्याम को. सारी गलत काम किए राहुल और डांट पड़ी श्याम को, श्याम को, यानी कि ये श्याम कौन है? ये श्याम हो गए बली का बकरा, जिनको इनकी गलती की सजा मिली है, तो श्याम को बोलेंगे स्केप गोट. होता है ना यार, जबरदस्ती बली का बकरा बन गए, चलो विक्टम बन जाना. ठीक है, अच्छा ड्यूप वर्ड एक और है, नशीली दवा, डी ओ पी ई, डोप होता है, डोप, डोप का मतलब होता है ड्रग्स, है ना, नशा देने वाले, नशा देने वाले जो भी चीजें हैं उनको डोप बोलते हैं, डोप. ठीक, मूवीज में भी आपने कई बार देखा होगा यार, क्राइम पेट्रोल में स्पेशली डोप, डोप लेके आना, डोप लेके आना, डोप डोप, व्हाट इज डोप? दिस इज ड्रग. आजकल आपने देखा होगा जब ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, उस टाइम पे कितना ज्यादा ड्रग्स पता चला था, ये एक्ट्रेस ड्रग लेती है, डोप लेता है ना, नशीली दवा होता है ड्रग एंड डोप.
विक्टिम का मतलब क्या हो गया, विक्टिम का मतलब वही बलि का बकरा। ड्यूप में फर्क है, देखो ड्यूप का मतलब आपका विक्टिम है, लेकिन डोप का मतलब नशीली दवा है। सो दिस इज द डिफरेंस, ट्राई टू गेट द डिफरेंस राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्पिंग, हार्पिंग का मतलब होता है कि मतलब बहुत, अगर मैं आपको आपको बताऊं तो जब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है फर्स्ट और सेकेंड डे, तो उनका जाने का मन नहीं करता है, तो वो बड़ा अपना जूता घिसका घिसका के बड़े आराम, जब कोई चीज़ करने का मन नहीं करता है ना, तो एकदम पैर ड्रैग करके इंसान चलता है ऐसे, बड़ा थकेले थकेले टर्म्स में। और अगर आपने मुझसे बोला कि मैम अपना नाम लिखिए, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं यार बस अपने ऐसे थकेले थकेले टर्म्स में लिख दूंगी ऐसे। सो व्हाट आई एम डूइंग, चाहे मैं बोलूं चाहे मैं लिखूं, अगर मैं लेजिली बोल रही हूं, मतलब इस तरीके से बोल रही हूं कि आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे हार्पिंग। ठीक है, नया वर्ड सीखा। अब किसी भी टीचर के ऊपर जाके चाप मत देना, पता चला आप सीख यहां से रहे हो, चाप रहे हो कहीं और, आप बोल रहे हो टीचर से मजा नहीं आया, व्हाई आर यू हार्पिंग ओवर द टॉपिक। अब बेचारा वो दूसरा इंसान, उसको समझ में नहीं आया कि आप बोल क्या रहे हो। हार्पिंग का मतलब होता है कि आप किसी से कह रहे हो यार इतने थकेले तरीके से क्यों पढ़ा रहे हो यार, थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, ये हार्पिंग का मतलब होता है। जैसे कि मुझे आपको जाउस्ट वर्ड सिखाना है, तो मैं आपको अगर ऐसे बोलूं जाउस्ट वर्ड्स का मतलब गेम्स होता है, डॉन का मतलब होता है कुछ चीज़ पहनना। चलो आगे बढ़ो। सो व्हाट इज दिस, आई एम हार्पिंग, मैं इंटरेस्ट से पढ़ा ही नहीं रही हूँ, बड़ी लेजीली पढ़ा रही हूँ। तो जाउस्ट का मतलब होता है गेम, एंड डॉनिंग समथिंग का मतलब होता है वियरिंग समथिंग। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन के टाइम एक ब्लू कलर का मटेरियल डॉन कर लेते हैं, यानी कि पहन लेते हैं। डॉन वो मत समझ लेना मैं हूँ डॉन, ये वो वाला डॉन नहीं है। डॉनिंग का मतलब होता है वर्ब, यहाँ पे डॉनिंग का मतलब वर्ब है, इसका मतलब होता है कपड़े, मतलब जो आप पहन रहे हो ना, जो आपने डॉन किया हुआ है। क्लियर है? चलो क्लियर चाहे जितना भी हो, अभी मैं जब पूछूंगी ना तब असली मजा आएगा। ईडीएम में क्लिंच ओवर समथिंग, क्लिंचिंग ओवर समथिंग मतलब आपने ठान लिया है कि मुझे ये अचीव करना ही करना है, इसका मतलब होता है कि यू आर क्लिंचिंग ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। मैन इन ब्लू एक फ्रेज है, एक ईडीएम है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है पुलिसमैन। मैन इन ब्लू एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है पुलिसमैन, और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? इन द नेम ऑफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम यूज करते हुए, इन द नेम ऑफ समथिंग यानी कि किसी का नाम यूज करते हुए, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम यूज करते हुए उसको बोलते हैं इन द नेम ऑफ समथिंग, यानी कि यूजिंग हिज नेम। फ्रेजल वर्ब हो गया टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, कि डिफिकल्ट समय से निकलने के लिए कि आप उसकी मदद कर रहे हो, चाहे आप उसको पैसे दे रहे हो। जैसे आपका फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, अब आपने उसको कुछ पैसे लेंड किए ताकि वो सिचुएशन से टाइड ओवर हो जाए, यानी कि निकल जाए। ठीक, चलो फॉरेन वर्ड्स है। सुजर्न, सुजर्न का मतलब मैं आपको बताऊं, एग्जाम में ये वर्ड आपसे पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। जैसे मैं यहाँ से लखनऊ से बाय रोड दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है, लखनऊ से बाय रोड मैं दिल्ली जा रही हूँ, सपोज 8 घंटे लगे पहुंचने में, ठीक है, लेकिन 8 घंटे एग्जैक्टली तो इंसान ड्राइव करेगा नहीं, बीच में सपोज 3 घंटे के बाद रुके, वो जो रेस्ट हाउसेस नहीं होते हैं वहां पे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टे करता है, फ्रेशन अप होता है, कुछ खाता पीता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो जहां पे वो टेम्पररी स्टे करता है ना, थोड़े थोड़े बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता है ना, तो उसको हम सुजर्न कहते हैं, सुजर्न, राइट। अब मैं आपको दे रही हूँ चैलेंज। अच्छा ये देखो मेरा टेलीग्राम है, गूगल पे जाके सर्च करना बरखा अग्रवाल टेलीग्राम, आपको लिंक मिल जाएगी, इस तरीके का देखने में लगेगा। ठीक, ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो भी क्लास के नोट्स होते हैं वो सारे मैं टेलीग्राम पे ही भेजती हूँ। ठीक, लिंक भी भेजती हूँ, सब कुछ भेजती हूँ टेलीग्राम पे, जरूर एक्टिव रहना। चलो अब मैंने आज जो भी पढ़ाया मैं उसका टेस्ट लेने जा रही हूँ, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, और अपनी स्पीड को थोड़ा और ज़्यादा अपनी स्पीड में थोड़ा और ज़्यादा स्पीड ले आइए। जल्दी से देखो 8:10 होने वाला है, मतलब मैं आपको एक बहुत मस्त चीज बताने वाली हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तभी बताऊंगी जब आप सब लोग इसका आंसर स्पीड में करोगे। जितने भी लोग हैं लाइव लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, आप सबको इसका आंसर बहुत स्पीड में करना है, तभी मैं आपको बताऊंगी जो मुझे सरप्राइज आपको देना है, मैंने मुझे कुछ बताना है बेसिकली आपको। हैपलेस का मतलब क्या होता है, हैपलेस मतलब बड़ा हेल्पलेस सा फील करना, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, फॉर्च्यून लेस मतलब बदकिस्मत, हैपलेस, फॉर्च्यून लेस, अनफॉर्च्यून, अनलकी, अनब्लेस्ड, तो ये सारे मतलब हो गए हैपलेस के। ठीक है, लर्क का मतलब क्या होता है, सी से शुरू होने वाला एक शब्द लिखा है, सी से शुरू होने वाले बाकी भी दोनों शब्द लिखो लिखो लिखो।
लर्क तो चलो एक है, बाकी दो शब्द लिखो जो सी से शुरू होने वाले हैं। एक तो हो गया कंसील, एक हो गया क्लैंडेस्टीन, एक हो गया कोवर्ट। डोप का मतलब होता है ड्रग्स, एंड डॉनिंग का मतलब होता है किसी चीज को पहनने की बात हो रही है, और स्केप कोट का मतलब होता है बलि का बकरा। स्पीड में आंसर कर ये। एग्जेम्पशन, ई से शुरू होने वाले तीन शब्द मैंने सिखा रखे हैं जिसका मतलब होता है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व यानी कि किसी चीज से मुक्ति मिलना, माफी मिलना, ठीक है, मुक्ति मिलना, माफी मिलना। तो एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन, एग्जोनरेशन और इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन बोलो चाहे इमेंसिपेटेड बोलो, इसका मतलब होता है एकदम से आपको आजादी मिल गई है। अब मैच द फॉलोइंग, विवेशियस, एम्बुश, डॉन, इसको मैच करो ए बी और सी से। वन कहाँ जाएगा, टू कहाँ जाएगा, थ्री कहाँ जाएगा, मैच करिए सब लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विवेशियस, एम्बुश एंड डॉन, व्योरिंग समथिंग। विवेशियस, एम्बुश एंड डॉन। देखो डॉनिंग का मतलब हो गया वियर समथिंग, यानी कि थ्री का मतलब ए हो गया। थ्री का ए सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है तो बाकी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, एंड दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग बताओ, कैमोफ्लाज की स्पेलिंग क्या होती है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लठ मार मुझे मेहनत करानी पड़ रही है, लठ मार मेहनत। लिखो 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 और लिखो। कैमोफ्लाज, सो द स्पेलिंग इज कैमो, कै मो, ठीक है, देन फ्लाज हो गया FLAG, सो दिस इज कैमोफ्लाज, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, पुट ऑन समथिंग, पुटिंग ऑन समथिंग का मतलब होता है या वेयरिंग समथिंग यानी कि डॉनिंग, वेयरिंग समथिंग यानी कि डॉनिंग बोलेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मस्त चीज़ बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने इसी YouTube चैनल पे लैब पे मेरे कल शॉर्ट्स देखे थे, मैंने कल एक शॉर्ट अपलोड किया था, आपने देखा था। मैंने सोचा यार ऐसे तो कभी अभी लेक्चर हो नहीं पा रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है थोड़ा सा अंग्रेजी की, है ना। तो मैंने क्या किया है, एंड आई ट्राई कि मैं इसको फिर से एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 शॉर्ट्स अपलोड करूं। मैं बता रही हूँ मिनिमम 3-4 शॉर्ट्स मेरा प्लान है अपलोड करने का। एंड शॉर्ट्स जब आप पढ़ोगे ना, आपको मेरे हर शॉर्ट के बाद ऐसा लगेगा कि आप अंग्रेजी बोलने के करीब जा रहे हो, अंग्रेजी बोलने के करीब जा रहे हो। जैसे कि मैं खुद बताऊँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। मेरा एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आया था, अब उसको मेरे सामने इंग्लिश में बात करनी थी बेचारे को, मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के। अब क्या हुआ, बॉटल खोलनी थी। मैं बात बता रही हूँ लगभग लगभग थोड़ा सा टाइम हो गया यार, मतलब 9-10 महीने तो हो ही गए होंगे। अब उसने बॉटल खोली, अब वो सारी चीजें इंग्लिश में बोल रहा था, लेकिन वो ये इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था कि यार बॉटल खोल दीजिए। बॉटल उससे खुल नहीं रही थी, बॉटल खोल दीजिए, अब उसको प्यास भी लग रही थी। तब मैंने सोचा यार कि जब किसी इंसान को इंग्लिश बोलनी होती है और जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो गजब का यूज होता है जिनका डेली लाइफ में, जैसे बोतल खोल दो, गुस्सा क्यों हो, फ्रेंड्स जूठा खा लेते हैं, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ना, मैं इनको शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी ताकि यहाँ पे जो आप सीख रहे हो वो तो है ही, लेकिन डेली भाषा में अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो पहले आप मुझे ये बताओ, ये वाला डिसीजन मेरा आपको कैसा लगा? मैं कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद जरूर लिखिएगा, लेकिन अभी भी मुझे एक बार बताइए ये डिसीजन आपको कैसा लगा। मैं हफ्ते में मिनिमम 3 और 4 प्लान करूंगी कि अपलोड कर दूं, कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। अच्छा लगा आपको, बहुत 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 हेल्पफुल होगा। मैं हमेशा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आसमान से तारे तोड़ लो, ये डेली लाइफ में बोलने वाला सेंटेंस नहीं है, लेकिन आटा गूंद दो, छोटी सी चीज है, आटा गूंद दो। मैंने एक 3 शब्दों का एक सेंटेंस आपसे बोला कि मम्मी ने बोला हाथ में दर्द हो रहा है, आटा गूंद दो, या फिर आपको किसी और से बोलना है आटा गूंद दो, या फिर किसी और ने इंग्लिश में आपसे बोल दिया, तो क्या होता है आटा गूंद दो का मतलब? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाए ना, आटा गूंदने को निडिंग द फ्लो बोलते हैं,
ठीक है, यही सब चीजें होती है कॉन्फिडेंस अंदर से देती है जो। तो मेरे शॉर्ट्स पे बहुत 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 एक्टिव रहना, बहुत एक्टिव रहना, और मेरे टेलीग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहना। मैं जैसे टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर करूंगी, तो शॉर्ट्स पे अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आज ही से नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद अमन एंड बरखा, दिस वन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे द हिंदू के साथ साथ डेली अंग्रेजी के भी गजब के सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। एंड यू नो, अगर मैं बना रही हूँ तो आई ऑलवेज प्रिपेयर माई कॉन्टेंट बाय कीपिंग माई सेल्फ इन योर शूज, यानी कि आपकी जगह पे मैं अपने आप को रख के तब कॉन्टेंट प्रिपेयर करती हूँ। ठीक, चलो तो फिर आज रेडी रहो कि आज आपको क्या जानने को मिलेगा। अपना थोड़ा सा समय इसी क्यूरियोसिटी में निकाल दीजिए। ठीक, चलिए, पुटिंग ऑन समथिंग हो गया। अब आज का एडिटोरियल क्या है? अरे वाह, आज का एडिटोरियल तो क्रिकेट के ऊपर है लड़कों का, तो गजब की मजा आने वाली है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताएं, पता है क्या हुआ, इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज, बेसिकली टेस्ट सीरीज इंडिया हार रही है, पर ये जो वनडे मैचेस हो रहे हैं, छोटे छोटे मैचेस, इसको इंडिया जीत रही है। तो ये चीज है कि लंबे मैचेस नहीं जीत पा रही है, लेकिन छोटे मैचेस जीत रही है। अब क्या है इसमें, ऐसा क्या है लंबे में और छोटे में, ये सारी चीजें हैं। मुझे इंडिया की ये जो ड्रेस है ना ब्लू कलर की, मुझे अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है? आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू स्मार्ट इंग्लिश स्पीच। देखो रश्मि, अब आपने गलत बोला, आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैनर, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, या फिर वेरी स्मार्टली। तो आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मैंने गलतियां देखी थी, इसी वजह से मैंने ये चीज, ये डिसीजन लिया है। एक्टिव रहना शॉर्ट्स में, आपको हफ्ते में 3 से 4 जरूर मिलेंगे, पक्का प्रॉमिस बोल रही हूँ। ठीक है, चलो अब ये आपका एडिटोरियल हो गया। पहला है आपका इंजरी टाइम, इंजरी टाइम है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, फिर आपकी रीडिंग शुरू होगी। जिस तरीके से वोकैबुलरी में गजब का इंटरेस्ट दिखाया है, उस तरीके से रीडिंग में भी दिखाइएगा। इंजरी टाइम का मतलब है कि, मतलब चोट लगी हुई है किसी को, इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट को चोट लगी हुई है। अच्छा, देखते हैं क्या है इसका मतलब। इंडिया वॉन दी शॉर्टर फॉर्मेट्स, शॉर्टर फॉर्मेट्स यानी कि जो छोटे छोटे वनडे मैचेस, T20 मैचेस होते हैं, वो इंडिया जीत रही है क्रिकेट में। वंस अगेन रिवीलिंग इट्स बेंच स्ट्रेंथ, मतलब कि वो छोटे छोटे मैचेस जीत रही है बार 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 बार, इससे पता चल रहा है कि टीम में यूनिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इतनी चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पैराग्राफ आपके लिए लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है, ताकि आपको तकलीफ ना हो पढ़ने में। आराम से पढ़िए, और पढ़िएगा जरूर। पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैम डन, जल्दी से ये काम सब लोग करिए। पढ़िए और पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैम डन। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? या मेरे लिए ना, जो इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है वो सभी मेरा फेवरेट है। एज सच कोई डाई हार्ड फैन नहीं हूँ मैं सभी की डाई हार्ड फैन हूँ, बिकॉज सभी परफॉर्म कर रहे हैं ना। एक को बोल रहे हो मतलब आप दूसरे को नहीं बोल रहे हो। ठीक है, डन। चलो, अगर आपने पढ़ लिया है तो अब मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। आप मैच करना कि जो आपने समझा है और जो यहाँ पे है वो सेम है कि अलग अलग है। ठीक, चलो। इंडियन क्रिकेट डॉनिंग, यानी कि इंडियन क्रिकेट ने डॉनिंग वाइट, वाइट, लेकिन इंडिया के क्रिकेट क्रिकेटर्स की तो ड्रेस ब्लू है, वाइट क्यों लिखा है? वाइट पहनते हैं टेस्ट मैचेस में। ठीक है, मतलब यहाँ पे टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। टेस्ट मैचेस में फेल हो रहे हैं इंग्लैंड में, बट इन दी ब्लू शेड, लेकिन ब्लू शेड में जो रोहित शर्मा के मैन है, रोहित शर्मा लीड कर रहा था, जो लीड करता है बोल दिया जाता है, चाहे उसके टीममेट्स बोलो, चाहे मैन बोलो, चाहे बॉयज बोलो, रोहित शर्मा के मैन फाउंड सक्सेस इन दी सब्सिक्वेंट लिमिटेड ओवर जाउट्स, मतलब कि जो छोटे छोटे मैचेस हैं, जो छोटे छोटे गेम्स हैं, उसमें तो दे आर सब फाइंडिंग सक्सेस, लेकिन जो व्हाइट डॉन है, यानी कि व्हाइट डॉन का मतलब होता है व्हाइट कपड़े कम पहनती है इंडिया टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में हार रही है, लेकिन छोटे छोटे मैचेस में दे आर विनिंग। After the long delayed fifth test, long delayed test match है तो लंबे समय तक ही चलता है, वो end हुआ था at Boston में end हो चुका है, ये end हो चुका है ये वाला match, लंबे समय से चल रहा था test series। अब जो 2020 है, ODI series है जो इसके बाद हुई, followed मतलब इस test series के बाद ODI और T20 हुई,
रिवील, उसने ये रिवील किया कि जो स्क्वाड है, जो इंडिया की टीम है, मोर एट होम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये लोग, किस चीज में, विद इन द अब्रिज्ड वर्जन। अब्रिज्ड वर्जन यानी कि जो अब्रिज मतलब कि शॉर्ट, जो शॉर्ट शॉर्ट गेम्स के वर्जन होते हैं T20 ODI, उसमें इंडिया ज्यादा कंफर्टेबल है, मोर एट होम है, लंबे में नहीं। मैन इन ब्लू, मैन इन ब्लू का मतलब तो होता है पुलिसमैन, पढ़ाया था ना मैंने, लेकिन इस वाले सेंटेंस में मैन इन ब्लू का मतलब होता है वो मैन जिन्होंने ब्लू कपड़े पहने हैं, यानी कि यहाँ पे मैन इन ब्लू का मतलब हो गया क्रिकेटर्स। क्रिकेटर्स ने जो वॉन बोथ सेट्स, उन्होंने जो छोटे स्क्वाड अब्रिज्ड वर्जन है यानी कि जो शॉर्ट मैचेस होते हैं T20 और ODI में, वहां पे उन्होंने दोनों जीत लिए, मार्जिन 2-1 का रखा और दोनों मैच जीत लिए। तो इससे हमें क्या दिखा कि गेम की अवेयरनेस दैट वाज मिसिंग इन द लोन टेस्ट, मतलब कि वो उनको गेम के बारे में बहुत आइडिया है। जब टेस्ट मैच में इंडिया हार गई तो लगने लगा कि दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, लेकिन टेस्ट मैच के बाद जब ये दोनों अब्रिज शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म हुए यानी कि T20 और ODI, इनको देख के ऐसा लगा कि ये जो इंडिया के टीम प्लेयर्स हैं ये छोटे क्रिकेट छोटे छोटे फॉर्म्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और वो इसी वजह से दोनों मैचेस जीत गए। और जीत गए तो फिर ऐसा लगा कि मतलब क्रिकेट की इनके पास बहुत नॉलेज है, ग्रेट अवेयरनेस है। ठीक है, इलियास अहमद, आई विल पक्का डू दैट, ठीक है, डू नॉट वरी। अभी छोटे छोटे शॉर्ट्स से शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट्स में आपके अंदर इंटरेस्ट लाने दीजिए। फिर एक बात मैं आपको बताऊं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अंग्रेजी सीखना इन द मोस्ट फ्लुएंट मैनर, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको पता है अंग्रेजी सिखाना किसी को, अंग्रेजी बोलना सिखाना, या फिर जो मेरे क्लासेस होंगे आपको पता है वो एकदम डिफरेंट होंगे। तो मेरा एक इच्छा है इसको, आई एम वर्किंग ऑन इट, देखो कब लॉन्च होता है, दैट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट। पढ़ने के बाद डन जरूर लिखिएगा। जल्दी से करेंगे इसको सभी लोग, बढ़िया से डन जरूर लिखिएगा पढ़ने के बाद सभी लोग। मेरे ख्याल से पढ़ लिया है। हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पे साउथहैम्पटन में बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से इंडिया को हेल्प मिली कि वो 50 रन उसने ओपनिंग में दिया T20 में, और एक सीमिंगली विनिंग टेम्पलेट सेट हो गया। विनिंग टेम्पलेट होता है ना कि बाय डिफॉल्ट कोई चीज सेट हो जाती है, तो उन्होंने इतनी बढ़िया ओपनिंग दी कि एक विनिंग टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्लैश वॉज पॉकेटेड, यानी कि दूसरी जीत भी जेब में ले ली इंडिया ने। बैटर रविंद्र जडेजा और सीमर भुवेश्वर कुमार, ब्रूसिंग जॉस बटलर्स मैन, ब्रूसिंग यानी कि उन्होंने हरा दिया, रौन दिया जॉस बटलर्स के मैन को, और दूसरी जीत भी पॉकेट कर ली यानी कि जेब में डाल ली। इवन इन दी थर्ड मैच, फर्स्ट मैच जीत गई, सेकेंड मैच जीत गई, थर्ड मैच वॉज ऑलरेडी सील्ड, वॉज लॉस, थर्ड वाला हार गई, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, देयर वॉज मच टू सेवर, यानी कि उसमें फर्क ही नहीं पड़ा कि वो थर्ड हार गई इंडिया को, क्योंकि अगर तीन में से दो जीत गई है तो ओवरऑल तो वैसे ही जीत गई है, तो थर्ड वाला हार गई लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। एंड जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, सूर्य कुमार यादव ने 55 बॉल्स में 117 रन रेट किए, गजब यार, और क्लासिक परफॉर्मेंस दी। दो द सीरीज ऑफ इंडिया फाउंड न्यू हीरोज इवन ऑफ द एस्टैब्लिश स्टार्स, नए हीरोज इंडिया को मिले, और जो एस्टैब्लिश स्टार थे रोहित विराट कोहली, इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, नॉट एट देयर बेस्ट, यानी कि जो नए नए स्टार्स मिले यानी कि, और जो एस्टैब्लिश ऑलरेडी थे रोहित विराट कोहली, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, ये यहाँ पे लिखा गया है। पढ़िए पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा डन सभी लोग।
मैम आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास पढ़ाओगे तो भौकाल मचाओगे. मैं भौकाल तो मचाऊंगी लेकिन लर्नर्स के बीच में. मुझे भौकाल मचाने का शोर शौक है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद नहीं. पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन सिखा दो तब भौकाल मचाओ तो समझ में आती है बात, है ना. द इंडिया को टाइड ओवर सच ब्लेमिशेस शोड दैट यूनिट्स बेंच स्ट्रेंथ वॉज एडिक्वेट. सोचिए देखो इसमें क्या लिखा है, इंडिया को टाइड ओवर सच ब्लेमिशेस. ब्लेमिशेस यानी कि जो धब्बा लगा था मन में, यूनिट्स बेंच स्ट्रेंथ ये दिखा, ये क्या बोलते हैं इसको, जो धब्बा लगा था टेस्ट सीरीज में जो हारा था लेकिन अभी जीत गया, तो इससे बेंच की स्ट्रेंथ दिखी. वॉज एड और ये लगा कि इंडिया को टैकल एनी क्राइसिस. अभी जीता ना तो लगा कि इंडिया को टैकल एनी क्राइसिस. और ये जो क्रिकेटिंग ईयर है दैट इज हर्डलिंग टुवर्ड्स द आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. और इसके इन्होंने ये जीत कर ली तो वर्ल्ड कप में जो आईसीसी 2020 होगा वहां पे लेटेस्ट ट्रायंफ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑगर्स वेल. मतलब उस ये जो वर्ल्ड कप होगा यहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट यानी कि जो छोटे छोटे मैच हैं उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी. ऑगर्स वेल यानी कि ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है ये सारे जीत को देख के कि जो शॉर्ट फॉर्मेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट होगा ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी. रोहित मैन हैड अ रोलिकिंग स्टार्ट यानी कि गजब की स्टार्ट थी ओडीआई सीरीज में विद स्पीयर हेड जसप्रीत बुमराह 6 for 19 एम्बुशिंग इंग्लैंड. एम्बुशिंग यानी कि अटैक किया बहुत बढ़िया इंग्लैंड पे एट लंडन्स ओवल. ये पूरा डेटा दिया गया है. जो ओपनर रोहित एंड शिखर धवन है रिमेंड अनबीटेड टू सिक्योर कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री. इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी और दे जस्ट वॉन दी मैच. तो समरी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई है ना कि इन लोगों ने जीता. जीत से ये लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रेडिक्शन, ऑगर्स वेल का मतलब होता है ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया में होंगे उसमें भी इंडिया गजब का परफॉर्म करेगी. ठीक है चलो. सो दैट्स इट. आखिरी पैराग्राफ होमवर्क के लिए है, 5 तक गिनूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. 1, 2, 3, 4, 5 समय समाप्त. आगे बढ़ते हैं. ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करो ताकि मेरे क्लास के नोट्स आपको मिल पाए. ठीक है. और इसके साथ ही साथ जो मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स अपलोड करूंगी यूट्यूब पे उसको भी देखना और कमेंट बहुत ज्यादा किया करो. शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा कमेंट किया करो तब मुझे दिखेगा कि हाँ मैं कुछ सिखा पा रही हूँ. ठीक चलो. अच्छा हाँ, ये एक अटेंशन प्लीज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है. स्टडी लैब ऐप पर लाइव एडमिशंस क्लोज हो गए हैं. मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं. कल क्या तारीख थी, कल तारीख थी 20 जुलाई और 20 जुलाई रात 12 बजे से आपके एडमिशंस क्लोज हो गए हैं. तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मत फोन करके ये मत बोलिएगा कि कैसे एडमिशन लें, मुझे एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों तक लाइव एडमिशंस क्लोज हो गए हैं ताकि हम लोग पूरा का पूरा फोकस दे पाए अपने स्टूडेंट्स को. और ज्यादा जब बच्चे भर लो ना, मतलब सोचो क्लास में 50 बच्चों की जगह है और आपने 500 भर लिए, वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा. ठीक है. और पढ़ाई इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, तो ये डिसीजन हमने लिया ताकि हर किसी का भला हो. और इस पे प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. लाइव एडमिशन सभी क्लोज हो गए हैं रात में 12 बजे कल ही. ठीक चलो. अभी कोई एडमिशंस नहीं मिल रहे स्टडी लैब में. जो ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे. जो स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे लाइव एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं. दैट्स इट. कैसा लगा द हिंदू कमेंट करके जरूर बताइएगा. और जो भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करूं लैब पे जरूर 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 देखा करो. लैब पे भी मैं करूंगी और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्टडी लैब उस पे भी मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगी. दोनों को देखना और खूब कमेंट करना. ठीक. बाय बाय.